अब श्री कृष्ण की लीला का जो गोपनीय महत्वपूर्ण वेरी वेरी सीक्रेट रहस्य है, हम अब आपके आगे उसे प्रकट कर रहे हैं। जो कथा श्रीमद् भागवत में है, भागवत के प्रभाव से, श्रवण करने से, पढ़ने से और मनन करने से उसका प्रभाव मानव के जीवन में पड़ता है। एक ये भागवत और दूसरा श्री कृष्ण का भक्त, वो भी भागवत, उद्धव भागवत हैं, प्रह्लाद महाभागवत हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा से हमारा अंतःकरण मथुरा बनता है। मथुरा हृदय है, हृदय में अंतःकरण है। करण माने इंद्रियां, बाहर की इंद्रियों को बाह्य करण कहते हैं, वो तो बाहर दिख रही है, आंखें दिख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नासिका सूंघ रही है, वाणी बोल रही है, हाथ पैर त्वचा सब दिख रहा है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय शरीर के बाहर की इंद्रियां हैं, ठीक उसी प्रकार चार इंद्रिय हमारे शरीर के अंदर भी हैं। अंदर की इंद्रियों का नाम है अंतःकरण, करण माने इंद्रियां, अंतः माने अंदर की। ये हैं तो सही, लेकिन दिखती नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों हृदय में रहते हैं। कहते हैं ना, आज हमारा मन नहीं लग रहा है, मन को बहुत आनंद आ रहा है। मन इंद्रिय है, अंतःकरण की इंद्रिय। मन का काम है संकल्प और विकल्प, इट मींस ये करें या ये करें, करें कि ना करें। संकल्प विकल्पाख्यम मन, मन की परिभाषा है, डेफिनेशन। मन क्या है? जो संकल्प विकल्प करने वाला है। दूसरी चीज है बुद्धि,
निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है जो निश्चय करे। कोई भी वस्तु मार्ग में पड़ी है, मन ने कहा उठाओ, कभी मन कहता है उठा लो या ना उठाओ, या सीधी सीधी सी बात मानो, हम कथा में आए, मन ने कहा, क्या रखा है कथा में, कथा में रुकें या ना रुकें, हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, ये मन का लक्षण है, संकल्प विकल्प। लेकिन जब बुद्धि ने विचार किया तो निर्णय किया कि दुनिया के और काम तो होते रहते हैं, होते रहेंगे, लेकिन हमें कथा सुननी चाहिए। ये निश्चय किसने किया? बुद्धि ने। बुद्धि यदि सदबुद्धि है तो वो सत की ओर, परमात्मा की ओर जावेगी, और कुबुद्धि है तो वो परमात्मा से दूर हटावेगी। तो मन, बुद्धि और तीसरी चीज है चित्त। चित्त का काम है चिंतन करना। किसी को बार बार चित्त के द्वारा याद करना, चिंतन करना, ये चित्त का काम है। और चौथी इंद्रिय है अहंकार। अहम, अहम माने मैं, ये मैं हूं, ये कौन बताता है? ये अहंकार बताता है। अहम, अहम माने मैं। ये चारों इंद्रियां हृदय में हैं, मन भी हृदय में है, बुद्धि भी हृदय में है, चित्त भी हृदय में है, और अहंकार भी हृदय में है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जिसने मन को कैच किया हो। हार्ट का ऑपरेशन होता है, साइंस ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, पूरे हार्ट को निकालकर टेबल पर रख देते हैं और फिर जोड़ देते हैं, लेकिन मन कहां है, बुद्धि कहां है, चित्त कहां है, अहंकार कहां है, और तो और आत्मा कहां है? ये भौतिक यंत्र कैच नहीं कर पाते, और सारी बीमारी मन और बुद्धि की बीमारी है। शरीर के रोग को डॉक्टर सही कर देते हैं, लेकिन जब मानसिक असंतुलन होता है उसके लिए मेडिकल में कोई इलाज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नींद की गोली ले लो, सो जाओ। लेकिन यदि किसी का मन बिगड़ा हुआ है तो वो किसी की टेबलेट से सही नहीं होता। बुद्धि
बिगड़ी हुई है वो ऑपरेशन से सही नहीं होती। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये आध्यात्मिक विषय है, अंतःकरण के विषय है। तो जैसा रोग वैसा इलाज। जब बाहर की बीमारी है तो इलाज भी बाहर का, और जब अंदर की बीमारी है तो इलाज भी अंदर का ही होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से, भागवत श्रवण करने वाले को भागवत बनाता है, अर्थात भक्त बनाता है।